बात नहीं रही उन लोगों के परिवार की, लेकिन मैंने तय कर लिया है कि सिवान हमारा है, सिवान के परिवार हमारे हैं, मैं सभी की सेवक हूँ। तो क्या एक सवाल और यहाँ साहब की, तो बिल्कुल जीतने के बाद अब जाएंगी तो क्या वो जीतने के बाद मैं शपथ लूंगी सिवान के लिए, सिवान के सभी समाज के लिए, सभी जो भी जरूरतें हैं यहाँ पर, जो भी परेशानियां हैं, सबसे बड़ी परेशानी है हमारे यहाँ की बेरोजगारी, दूसरी है बच्चे जो है वो शिक्षा से भाग रहे हैं, एजुकेशन से, तीसरी है हेल्थ, हेल्थ जो है यहाँ पे जो व्यवस्थाएं सरकारी योजना के तहत जो भी सदर हॉस्पिटल के हैं या रेफरल हॉस्पिटल के ब्लॉक के, वो सब चरमरा गए हैं, वक्त पे न डॉक्टर मिलते हैं न दवाई मिलती है। साहबुद्दीन जी की कमी खल रही है आपको? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, वो कमी कोई पूरा नहीं कर सकता है, इसीलिए सभी लोगों ने मुझे आगे बढ़कर सहयोग किया है, और कोई ऐसा कास्ट नहीं है, कोई ऐसा धर्म धार्मिक लोग नहीं है जो मुझे सहयोग नहीं कर रहे। आज वो रहते तो क्या आपको लग रहा था कि परिस्थितियाँ कुछ और होती? नहीं, परिस्थितियाँ यही होती और जो भी होता वो बेहतर होता। वो बात नहीं रही उन लोगों के परिवार की, लेकिन मैंने तय कर लिया है कि सिवान हमारा है, सिवान के परिवार हमारे हैं, मैं सभी की सेवक हूँ। तो क्या एक सवाल और यहाँ साहब की, तो बिल्कुल जीतने के बाद अब जाएंगी तो क्या वो जीतने के बाद मैं शपथ लूंगी सिवान के लिए, सिवान के सभी समाज के लिए, सभी जो भी जरूरतें हैं यहाँ पर, जो भी परेशानियां हैं, सबसे बड़ी परेशानी है हमारे यहाँ की बेरोजगारी, दूसरी है बच्चे जो है वो शिक्षा से भाग रहे हैं, एजुकेशन से, तीसरी है हेल्थ, हेल्थ जो है यहाँ पे जो व्यवस्थाएं सरकारी योजना के तहत जो भी सदर हॉस्पिटल के हैं या रेफरल हॉस्पिटल के ब्लॉक के, वो सब चरमरा गए हैं, वक्त पे न डॉक्टर मिलते हैं न दवाई मिलती है। साहबुद्दीन जी की कमी खल रही है आपको? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, वो कमी कोई पूरा नहीं कर सकता है, इसीलिए सभी लोगों ने मुझे आगे बढ़कर सहयोग किया है, और कोई ऐसा कास्ट नहीं है, कोई ऐसा धर्म धार्मिक लोग नहीं है जो मुझे सहयोग नहीं कर रहे। आज वो रहते तो क्या आपको लग रहा था कि परिस्थितियाँ कुछ और होती? नहीं, परिस्थितियाँ यही होती और जो भी होता वो बेहतर होता। एक अंतिम सवाल,